नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सरकारी कर्मचारियों के लिए लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए बना दिए हैं कड़े नियम। अगर सरकारी कर्मचारी इन कड़े नियमों का पालन नहीं करता तो उनको गुवानी पड़ सकती है अपनी नौकरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। राजस्थान में अब अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक में शामिल पाया है तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अशोक गहलोत सरकार ने यहाँ पर इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दिया है। यह नियम रविवार को होने जा रही राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स परीक्षा में लागू हो जाएगा। रीट परीक्षा में करीब 16 लाख उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। राजस्थान सरकार ने सभी के लिए मुफ्त यात्रा का प्रबंध किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रीट 2021 के आयोजन की तैयारी का इजाफा ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर कोई परीक्षा माफिया या गैंग पेपर लीक कर देती है तो विद्यार्थी की तैयारी और मेहनत पर पानी फिर जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की धोखाधड़ी में शामिल गैंग्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को एग्जाम सेंटर पर मोबाइल फोन नहीं लाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रीट 2021 और उसके बाद होने वाली सभी परीक्षाओं में यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर परीक्षा में शामिल होने आ रहा कोई भी विद्यार्थी, खास तौर पर महिला, किसी तरह की मुश्किल में है तो आयोजन से जुड़कर लोगों से उसकी मदद करनी चाहिए। राजस्थान के CM ने कहा है कि सभी जिलों में DM को इस परीक्षा के लिए सुचारू आयोजन के लिए वहां की वॉलंटियर संस्थाओं को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि उम्मीदवारों की पूरी तरह से मदद की जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।